हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस स्टॉक को आज हम एनालाइज करने वाले हैं, इस स्टॉक का नाम है IDBI बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक में गैस हमें फ्राइडे को 8% तक की रैली देखने को मिली थी। 88 रुपीस के लेवल से हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, जिसके बाद स्टॉक में हमें 96 रुपीस तक के लेवल ऊपर में देखने को मिले थे। और इसके साथ स्टॉक में गैस अब हमें इसके प्रीवियस हाई तक के टारगेट देखने को मिलने वाले हैं। स्टॉक के चार्ट को गैस अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें, और इसमें गैस हमें अगस्त के मंथ में न्यू हाई रिकॉर्ड होते हुए दिखाई दिया था 108 रुपीस का लेवल, जिसके बाद स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था और हमें बाई ग्राउंड देखने को मिली थी। फाइनली गैस हमें स्टॉक में सपोर्ट देखने को मिला 85 रुपीस के लेवल पर देखने को मिला। इस लेवल पर स्टॉक 2 टाइम्स सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद स्टॉक में हमें फ्राइडे को 96 रुपीस तक के लेवल देखने को मिले थे। और इसके साथ यहाँ पर देखें, हमें डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। अब इस ब्रेकआउट के बाद गैस हमें स्टॉक के प्रीवियस हाई तक के टारगेट फिर से देखने को मिलेंगे। और अगर स्टॉक इस रेंज को ब्रेक कर जाता है कुछ वीक्स के बीच में, तो गाइस इसके बाद हमें बहुत ही शानदार मूव देखने को मिलने वाली है, जिसको आज के वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक के चार्ट को गैस अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें, स्टॉक में जो हमारे लिए रेसिस्टेंस लेवल है ऊपर में 108 रुपीस का लेवल है, और स्टॉक में जो हमारे लिए सपोर्ट लेवल रहेगा डाउन साइड में 85 रुपीस का लेवल रहेगा। और यहाँ पर स्टॉक जो 95 रुपीस के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है गैस, इस रेंज से लेकर ऊपर प्राइस टूल की मदद से देखें हमें स्टॉक के जो प्रीवियस हाई तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं गैस, 14% तक के टारगेट इसके बाद देखने को मिल सकते हैं। और अगर स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है कुछ वीक्स के बीच में, तो गैस इसके बाद जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे स्टॉक में, जो इसका प्रीवियस सपोर्ट लेवल था जिस रेंज के बीच में स्टॉक में हमें काफी समय तक कंसोलिडेशन देखने को मिला था 75 रुपीस के लेवल से लेकर अब तक के हाई तक प्राइस रेंज टूल की मदद से देखकर, तो गाइस हमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में 43% तक के टारगेट इस ब्रेकआउट के बाद देखने को मिल सकते हैं। और जिसको यहाँ पर स्टॉक के गैस इस हाई के ऊपर लॉन्ग पोजीशन टूल की मदद से अपने 43% के टारगेट देखकर, तो गाइस हमें 155 रुपीस तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। और जिसको यहाँ पर स्टॉक के गैस अगर करंट लेवल से लेकर देखकर, तो हमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं ओवरऑल गैस हमें 63% तक के टारगेट आने वाले लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट लेवल। इस स्टॉक में अगर इसके प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, तो गाइस इसके बाद हमारा टारगेट जो रहेंगे स्टॉक में 155 रुपीस तक के लेवल रहेंगे। और स्टॉक में अपने स्टॉप लॉस की बात करें गाइस, इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉक का प्रीवियस जो 85 रुपीस का लेवल है वह हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि गाइस अगर देखें 9% के करीब बैठ रहा है। टारगेट के हिसाब से गाइस हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा सा बैठ रहा है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट लेवल। इस स्टॉक में छोटा सा ऐसे लगाकर 9% का स्टॉक में आने वाले दिनों में 63% के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी हेल्पफुल रही होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।